हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी मैथ 16 में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, इसके लिए अपन इस चैप्टर के अंदर अपन ने एक चीज़ देखी थी। यदि कोई व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ये व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसके लिए यदि इसके मूल बराबर है तो वो ज्ञात करने के लिए विविक्तर देखा था अपन ने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, तो वो देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो है। तो यह है व्यापक समीकरण, द्विघात व्यापक समीकरण है, और अपने पास में एक द्विघात समीकरण दे रही है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो इससे अपन तुलना करेंगे और a, b और c तीनों के मान निकाल लेंगे। तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक है a, तो यहाँ पर कितना है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है। फिर b, x का गुणांक है, तो यहाँ पर कितना है, k है। और c अचर पद है, तो अचर पद कितना है, यहाँ पर 3 है। अब a, b और c तीनों के मान मिल चुके हैं, तो विविक्तर के अंदर अपन मान रखेंगे। तो बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है, 2, इंटू सी कितना है, 203 बराबर जीरो। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 8 दिया 24, कितना हो गया माइनस का 24, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर जीरो। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर 24, और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, अगर अपन वर्गमूल लेते हैं दोनों तरफ तो के यहाँ से रूट के अंदर के स्क्वायर है, तो बाहर क्या जाएगा, के इक्वल टू इधर कितना आ रहा है, रूट 24। रूट 24 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, चार इंटू छः, रूट के अंदर 4 × 6 लिख सकता हूँ मैं रूट 24 को, 4 × 6 = 24 हो गया। अब के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 4 × √6, तो रूट 4 है, तो रूट 4 का मतलब होता है के बराबर रूट 4 से 12 आ जाएगा 2, रूट 6 है नहीं खुलता है तो रूट 6, तो के बराबर कितना मिला अपने को, 2√6। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। यदि मैं के बराबर यहाँ पर 2√6 रखता हूँ, तो जो इस समीकरण के मूल प्राप्त होंगे, द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त होंगे दोस्तों, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आयोग की ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दूसरा क्वेश्चन है वो भी दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर जीरो। तो पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपन, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स क्या जाएगा, 2 के एक्स प्लस 6 बराबर जीरो। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे अपन, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, विविक्तर क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। ये तब होगा जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। तो ए बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से ए बराबर मिलेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए बराबर के, बी बराबर, बी बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस 2 के, और सी बराबर, ये तो हो गया बी बराबर, और सी बराबर कितना है दोस्तों, अचर पद 6 है। ए बी और सी तीनों के मान है अपने पास में, मान रखते हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी, ए का मान कितना है के, और सी का मान 6 बराबर जीरो। तो यहाँ से माइनस 2 के का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है। फिर माइनस 4 इंटू के, 4 के इंटू 6, 4 × 6 = 24, 24 के बराबर जीरो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 4 के स्क्वायर है, अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन निकाल दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 6 इक्वल टू जीरो। दो चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है, तो या तो क्या होगा, 4 के बराबर जीरो। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, दो चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो या तो 4 के जीरो के बराबर होगा या के माइनस 6 बराबर होगा जीरो। तो यहाँ से के बराबर
जीरो, और यहाँ से के बराबर ये छः उधर जाएगा तो सिक्स। अब यहाँ पर अपने पास में के कितने मान प्राप्त हुए, दो मान प्राप्त हुए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, के बराबर जीरो रखता हूँ मैं, यदि मैं के बराबर जीरो रखता हूँ तो ये द्विघात समीकरण पूरी, यहाँ पर जीरो रखा तो ये अंदर मल्टी, ये पूरा हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 200 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ सिक्स बचा, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो अपन के बराबर जीरो नहीं लेंगे। अब के बराबर अपन लेंगे 206 लेंगे, तो यहाँ पर इस समीकरण का, इस समीकरण के अंदर के का मान कितना रखना चाहिए अपने को दोस्तों, 6 रखना चाहिए, और यही करेक्ट होगा। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी, यदि समझ आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।